नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ पर। ग्रहण बहुत समय से फेमस है और जो ज्योतिष है वो हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई एक परंपरा है, ज्ञान है, जिससे हम एक विचार रख करते हैं, एक भविष्य में क्या होगा उसको जानने का, उसे सुधारने का उसका प्रयास करते हैं। तो जिन लोगों को ज्योतिष पसंद है, जिन लोगों को इस पर विश्वास है, उन्हीं के लिए कार्यक्रम है भी। तो जो हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, एक काफ़ी विरला सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण है जो सदियों में हुआ करता है, क्योंकि ये जो शनि और गुरु साथ में आए हुए हैं, वो भी बकरी, ऐसा सदियों में ऐसा होता है। 100 साल 150 साल पहले कभी ऐसा हुआ हो। उसके साथ साथ इनके साथ ही जो इतने सारे ग्रह बकरी हैं, गुरु और शनि तो बकरी हैं ही, इनके साथ साथ बुध का बकरी होना, शुक्र का बकरी होना, राहु केतु तो बकरी हैं ही, तो मंगल को छोड़कर सभी ग्रह बकरी, सूर्य चंद्र का भी बकरी होते नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहण है, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रहण है। और ये आपका रविवार को 21 जून को होगा, सुबह 10:20 से और करीब 1:50 तक। समय स्थान के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ये जो समय है ये इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, बाहर तो और अलग अलग होता जाएगा हर कंट्री में। तो समय वो सब बदलेगा, ड्यूरेशन जो है, जो समय जो लग रहा है वो भी कम ज़्यादा होगा जहाँ पर ग्रहण पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग। भारत में पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा, अमेरिका में पड़ेगा, तो काफ़ी हद तक इनको प्रभावित करेगा। जहाँ पर ग्रहण दिखता है, मतलब पढ़ने का मतलब मेरा वही था, वहाँ पर ही उसका प्रभाव होता है, ऐसा हमारा ऋषि मुनियों का मानना है। जहाँ नहीं दिखता है वहाँ उसका असर नहीं होता है, पर इंडिया में ये क्योंकि दिख रहा है, भारत में ये दिख रहा है, हमारे भारतवर्ष में, तो इस पर असर होगा। असर दोनों ही तरह का होगा ग्रहण का, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा माना गया है कि कोई बड़ी महामारी अगर चलती आ रही है तो उसमें हो सकता है थोड़ा कमी आए, हो सकता है कुछ एक महीने बाद, दो महीने बाद कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ निकल के आए। और बाकी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सरकार, सूर्य किसको दिखाते हैं, आत्मा को। अगर हम पर्सनल रूप पे देखें तो आत्मा को, वैसे सूर्य दिखाते हैं राजा, सरकार, बड़े लोग, गवर्नमेंट, सब जो बड़ी बड़ी पोस्ट है। अब जैसे स्कूल है तो उसमें हेडमास्टर वहाँ के सूर्य हो गए, अगर कोई ऑफिस है तो उसका जो हेड है वो हो गया। तो हर जगह सूर्य जो टॉप पर जो लोग होते हैं, वो जो कमांड करते हैं, जो ऊपर होते हैं वो, तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि काफ़ी संघर्ष आएगा उनके जीवन में, चाहे वो प्रदेशों की सरकार हो या गवर्नमेंट की सरकार हो। कहाँ से आएगा संघर्ष, क्योंकि पब्लिक में कुछ ऐसा होगा, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ उतार चढ़ाव आएंगे। अब दो चार चीज़ें ही हो सकती हैं, देखिए बाढ़, भूकंप इस तरह की, या फिर कोई बीमारी। बीमारी हमेशा कीट पतंगों और वायरस बैक्टीरिया से ही आती है, तो एक तो हमारे यहाँ आ ही चुकी है, तो इसके कारण काफ़ी हद तक इन लोगों को स्ट्रगल करना होगा। और सरकारों में भी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो, जैसे कि चाहे वो अमेरिका हो या रशिया, कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे या तो सरकार पलटे, ना भी पलटे, तो काफ़ी हद तक विरोध, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ेगा। अपने घर में, आपके घर में, आपके घर में जो विशेष है, आपके पति हैं, आपकी अगर पत्नी काम करती हैं, कुछ घर ऐसे भी हैं माता हैं पर वो ही उसको संभालती हैं, तो वो भी सूर्य हो गई उस घर की, तो जो उस घर का जो मेन मुखिया है उसके लिए थोड़ा सा उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है। वो सभी राशियों के लिए है। आपकी राशि विशेष के लिए क्या असर होगा उसका भी हम इसमें बात करेंगे। तो सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ी सी बातें जो कॉमन है वो एक बार हम बता देते हैं कि 12 घंटे पहले सूर्य ग्रहण होने से सूतक लग जाता है। सूतक का मतलब होता है कि ये जो समय है वो मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, पूजा पाठ के लिए अच्छा है, पर मूर्ति को नहीं छूते, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, मंदिर बंद हो जाते हैं, पर मेडिटेशन, ध्यान, कोई भगवत गीता पढ़ना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आपको मंत्र सिद्धि है, किसी गुरु से आपको मंत्र प्राप्त हुआ है, तो इसमें उनका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो सूतक में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सूतक जैसे ग्रहण लगेगा, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद, सूतक खत्म, उसके बाद दान पुण्य करने का हमारे उसमें विधान रहा है, तो दान को बोलते हैं कि इस दिन ज़्यादा लगता है। अब वैसे तो हर दिन ही लगता है, पर देखिए वक्त की बात है, वही वक्त होता है कि व्यक्ति
सेम व्यक्ति वही व्यक्ति राजा वही व्यक्ति रंक। वो कहानी भी आपने सुनी होगी, काफ़ी फेमस कहानी है कि एक व्यक्ति ढूंढने चला किसी सबसे सजीव सबसे खूबसूरत आदमी को, तो उसने एक तस्वीर बनाई। उसके बाद उसको मन हुआ कि सबसे बदसूरत आदमी को, जब कुछ समय बाद वो चला तो उसने फिर से एक व्यक्ति की तस्वीर बनाई, पर जब उसने उसकी तस्वीर बनाई तो वो व्यक्ति रोने लगा कि क्यों, समझ में नहीं आया। फिर उसने बताया कि वो जो खूबसूरत व्यक्ति था वो भी मैं ही था। तो समय बड़ा बलवान होता है, तो जब ये ग्रहण हो या फिर कोई त्यौहार हो, चाहे महाशिवरात्रि हो या एकादशी हो, तो उन दिन समय में एक विशेष ऊर्जा होती है। ऐसा नहीं है कि और दिन अगर आप दान करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता, तो एक दिन ये कुछ विशेष दिन होते हैं, इनका एक विशेष महत्व होता है। तो अगर दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ दान करें जिनको अमावस्या होती है, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, तो पितरों से रिलेटेड किसी को कुछ करना है पूजा वगैरह, उसके लिए भी अच्छा है। वैसे भी आप उसको दान पुण्य करने के लिए अच्छा है। सूर्य की रोशनी में ना जाएं, मतलब कि ये नहीं है कि अब अगर काम है तो जाएंगे तो उसकी तरफ देखें नहीं, कैप लगा लें जहाँ तक हो सके। ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बाहर ना निकलें। वैसे भी कोरोना की वजह से बाहर जितना कम निकलेंगे उतना अच्छा है। सिक्योर रहें, मतलब कि कोई रिस्क ना लें, कोई अधर्मपूर्ण काम तो बिल्कुल ही ना करें। कारण है उसके कि जब भी ग्रहण होगा, देखिए सूर्य चंद्र आपके पास में आ जाएंगे, है ना, और चंद्र के ही जो नोड हैं वो राहु केतु हैं, राहु और केतु हैं, तो उस दिन ना थोड़ा सा सभी व्यक्तियों का जो सोच होती है थोड़ा सा गुस्से में हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। और आपने अगर कुछ ऐसा किया, प्रैक्टिकली आप सोचिए, तो चूंकि सभी लोग थोड़े से ग्रहण के प्रभाव में, आपका हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा ही उसका फाइन भरना पड़ जाए, बात राय से पहाड़ हो जाए, बहस झड़ जाए, क्योंकि सभी लोग थोड़े से एग्रेसिव होंगे, सभी लोग थोड़े से अनबैलेंस्ड होंगे। तो इसे सोचकर हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भैया एक दिन घर में बैठ लो, पूजा पाठ करो, कोई प्लान बना सकते हो, कोई बड़ा निर्णय ना लो। वो भी इसीलिए कहा है कि आपका जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, तो उस दिन बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब क्या सभी का रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन व्यक्तियों की उन ग्रहों की महादशा चल रही है, जो इस ग्रहण में प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि सूर्य चंद्र राहु के साथ साथ बुध अगर वहाँ पर हैं, उनकी चल रही है, तो फिलहाल उस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध भी वहीं पर रहेंगे। इसके अलावा मंगल शनि क्योंकि मलेफिक होते हैं, उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रख, उन लोगों की को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपके ग्रह आपकी अच्छी महादशा चल रही है, आपकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, तो हो सकता है आप इसका कोई प्रभाव ना देख पाएं, मतलब ऐसा कि जिसे आप महसूस कर पाएं। और अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कुछ ही लोगों पर इसका प्रभाव होता है, पर ये एक बड़ी घटना है जिसका विश्व पर प्रभाव होगा, और एक ज्योतिष प्रेमी के तौर पर, हमारी एक धरोहर है उसके तौर पर, एक जानकारी के तौर पर भी इसको आपको जानना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जानना समझना, जिन्हें इंटरेस्ट है। तो इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि भाई आपकी राशि के लिए क्या रहेगा। बाकी जो सूतक होगा उसमें हमें क्या नहीं करना है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो ये बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और ये सब चीज़ें हैं कि भाई कोई भी बड़ी चीज़ ना करें। ये सब मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप खासकर अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि राहु केतु जब अमृत पी रहे थे तो भगवान विष्णु ने उनका जो गला काट दिया था, मोहिनी रूप में थे वो, तो इस वजह से कुछ लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप बताते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, भगवान चंद्र के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, और मेडिटेशन ध्यान योगा वो सब किया जा सकता है, हवन वगैरह भी किया जा सकता है, उसके लिए भी अच्छा समय है, आप हवन वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे किसी को चंद्र का कुछ उनकी कुंडली में कमजोर है, तो वो खीर का हवन, खीर घी का हवन कर सकते हैं, सूर्य के लिए तेल का घी का हवन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा स्नान को बोलते हैं कि
ग्रहण से पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा है, या फिर ग्रहण के बाद करें ये भी अच्छा है। थोड़ा सा बोलते हैं कि जो बड़े इस तरह की जो चीज़ें, ऐसे चाकू हो गया, तलवार होगी, इस तरह की चीज़ों को यूज ना करें। मेरे ख्याल से इसी तौर पर किया गया कि अगर ऐसी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आसपास हैं, और चूंकि ग्रहण को लोगों की मेंटलिटी थोड़ी सी अपसेट हो सकती है, आपकी ना हो दूसरे की, तो गुस्से में अगर आपसे कुछ इस ये सोच के कहा होगा भैया इनको तो अलग ही रख दो। इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि आप खाना कम ही खाएं, क्योंकि कम खाना खाने से आदमी को निद्रा कम आती है, आलस कम रहता है, उसका दिमाग भी थोड़ा सा कम ही खाया जाए, पूजा पाठ में लगता भी है। अब ज़्यादा खाना खा लेंगे तो नींद आएगी, तो मंत्र सिद्धि क्या करेंगे, पूजा पाठ क्या करेंगे। थोड़ा कम खाना खाएं, दूध से बनी चीज़ें थोड़ी कम खाएं, ऐसा कहा गया है। दूध एक्चुअली एसिडिक होता है, वो जो है ना पेट में उसको बढ़ाता है, गैस्ट्रिटी को बढ़ाता है। वैसे भी प्रकृति में आप देखिए, जब बच्चे छोटे हैं उनके लिए मना नहीं है, वो तो दूध पीते ही हैं, पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी जीव के हों, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बच्चा हो या किसी का भी हो, वो अपना दूध छोड़ देते हैं, वो प्रकृति की दूसरी चीज़ें खाते हैं, और ये सभी जीव करते हैं मनुष्य को छोड़कर। तो दूध को बहुत ज़्यादा हेल्थी, बचपन में तो ठीक है, चलो 16-17-18, उसके बाद थोड़ा सा दूध को कम कर देना चाहिए, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का मानना रहा है। बाद में और क्या नहीं करते भाई, इसको अपने बड़ों का अपमान न करें, बड़ों का अपमान न करें। आपके जो पूर्वज हैं उनको, अगर उनके लिए प्रार्थना करते हैं बहुत अच्छी बात है, पर गलती से भी उनका अपमान नहीं करें इस दिन, ये बहुत खास बात है। कोई भी बुरा कार्य, कोई भी बुरी सोच अगर आती भी है तो उसको वहीं से ख़त्म कर दें, क्योंकि चीज़ें बढ़ सकती हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही फिर इसके बाद करेंगे हम बात आपकी राशि के बारे में। तो आइए बात करते हैं अब मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए क्या लेकर आएगा ये ग्रहण, आपके लिए क्या ला सकता है, क्या क्या बातें, वो कुछ बातें जो एक्टिव कर सकता है, कुछ बातें जो आपके जीवन में ला सकता है, वो ग्रहण क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो यही है कि जो भी बातें बताई जाएंगी, ग्रहण कोई बहुत अच्छी बातें तो लाते नहीं हैं, तो उनका जो इफ़ेक्ट होगा सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में होगा जिनकी सूर्य चंद्र राहु बुध की दशा महादशा चल रही हो, इसके साथ साथ वो आपकी कुंडली में कमजोर और अशुभ स्थानों पर हों। अदरवाइज़ आपकी किसी दूसरे ग्रह की महादशा, अच्छी ग्रह की महादशा चल रही है, या फिर इन्हीं ग्रहों की चल रही है पर वो आपकी कुंडली में काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, कुछ खास परिवर्तन नहीं आएगा, और ये ग्रहण भी और ग्रहणों की तरह ही थोड़ा निकल जाएगा। पर अगर किसी की चल रही है तो क्या सावधानी बरत सकते हैं, क्या हो सकता है, अगर आपको पता है कि रास्ते में गड्ढा हो सकता है तो आपको डरने की बजाय ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप गड्ढे से दाएं या बाईं तरफ से निकल जाएं। ये नहीं कि आपको किसी ने बता दिया कि रास्ते में गड्ढा है तो आप डर से, मतलब गड्ढे से पहले ही गिर जाएं, तो फिर ज्योतिष का आप सही यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसी को बताने के लिए प्रोग्राम है कि भाई हाँ ऐसा हो सकता, इस तरह की संभावना है, वो भी बहुत कम लोगों के साथ होगा, क्योंकि उन्हीं लोगों को जिनकी दशा महादशा होगी, ग्रह भी वीक होंगे, तभी ऐसा कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा, शांति से कुछ नहीं होने वाला। बाकी सब लोगों के लिए डरने की कोई बात नहीं। पर अगर फिर भी जो भी ग्रहण का असर है, हम उसकी बात करेंगे कि देखिए जो ग्रहण पड़ रहा है वो आपके चौथे घर में पड़ रहा है, चौथे घर में पड़ेगा, जो मिथुन राशि है उसमें मृगशिरा और आर्द्रा जो नक्षत्र है उसमें पड़ेगा। मृगशिरा जो है मंगल का नक्षत्र है, आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, विषमोत्तरी महादशा में। मृगशिरा जो है एक्चुअली में पार्वती जी की, माता पार्वती की, भगवान शिव के लिए खोज को दिखाता है, मतलब किसी चीज़ की, ज्ञान की, ऐश्वर्य की, या किसी चीज़ की खोज को दिखाता है। और आर्द्रा जो है एक नए जीवन को दिखाता है, चीज़ों के बदलाव को दिखाता है, चीज़ों के बदल जाने को एक दिखाता है, और टकराव को भी दिखाता है, किसी घटना दुर्घटना से कुछ सीखने को दिखाता है, फिर एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ बड़ा करने को भी दिखाता है। बात यह है कि चौथे घर में है, तो चौथे घर में ही कुछ से संबंधित ही रिजल्ट ज़्यादा आएंगे। तो चौथा घर होता है मन की शांति का, मन की पवित्रता का, जैसे कि लग्न बुद्धि है, ये शुद्धि मतलब मन की पवित्रता, सातवां भाव वृद्धि, किसी चीज़ का बढ़ना, ये सिद्धि, सफलता, यश, सिद्धि जो प्राप्त होती है, किसी चीज़ को पूरा कर पाना, ये दशम भाव से आता है।
तो मन में थोड़ा सा विषाद रह सकता है, मन में थोड़े अच्छे विचार ना आए, ऐसा हो सकता है। कई बार होता है ना मूड खराब है, उस तरह का हो सकता है, मूड थोड़ा खिन्न रह सकता है। और जब मूड खिन्न हो तो ऐसे में व्यक्ति का लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है कई बार अपने दोस्तों से, भाई बहनों से, माता पिता से, पति पत्नी से, थोड़ा झगड़ा टकराव होने के चांसेस रहते हैं जब व्यक्ति का मूड खराब हो। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मूड खराब रह सकता है, दुख हो सकता है, तनाव महसूस कर सकते हैं, अजीब सा खालीपन लग सकता है। इस दिन जमीन जायदाद या इस दिन क्या इससे 7-8 दिन पहले बाद में जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई बड़े निर्णय ना लें, धन को कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, कोई बड़ी चीज़ में इन्वेस्ट ना करें, खास करके अगर जमीन गाड़ी इससे जुड़ी हुई कोई बात है तो उसके लिए, क्योंकि चौथे ही घर में ये पड़ा हुआ है। तो माता की थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़े निर्णय से लेने से बचिएगा क्योंकि उसमें नुकसान हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। अगर आपके कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर हैं, अशुभ स्थानों में है और इनकी दशा महादशा चल रही है तो विचारों में ये जो मैंने बताया वो तो रहेगा ही। कार्य व्यापार में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ से ये जो सब ग्रह हैं दशम भाव को देख रहे हैं, दशम में केतु पहले से बैठे ही हैं, केतु दशम में दिग्वाला को प्राप्त करते हैं, बहुत सारी ऊर्जा देते हैं पर थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबिलिटी देते हैं और जॉब चेंज करा सकते हैं, कोई जॉब चला जाए तो फिर दूसरा जॉब, इस तरह का कई बार ऐसे लोग कुछ अगर जन्मपत्री में हो तो इस तरह के जॉब भी कर सकते हैं, जैसे कि ज्योतिषी हो गया, पंडित हो गया, पुजारी हो गया, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, इस तरह के जॉब केतु करा सकते हैं। पर केतु दशम भाव में अच्छे माने जाते हैं, स्ट्रांग माने जाते हैं और ये भी अपनी धनु राशि में है तो स्ट्रांग ही हैं। ये तो हमारा मेनली रहा चौथे भाव से, चौथे भाव से हम और भी चीज़ें देख सकते हैं। चौथा भाव माता का है, माता का है, आपकी खुशी का है, इसके साथ साथ ये आपके बच्चों के लिए विदेश का भाव भी है। तो अगर हम ऐसे देखें कि चंद्रमा जो है अपने से पंचम, अपने से बारह में जा रहे हैं तो ये इस योग बनाता है कि बच्चे कहीं दूर जा सकते हैं, यात्रा पे जा सकते हैं। अब फिलहाल तो आपका बंद है तो दूर तो नहीं जाएंगे, तो खर्चा आ सकता है बच्चों को लेकर, उनकी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये देखा जा सकता है क्योंकि पंचम का स्वामी अपने से बारहवें भाव में आ रहा है। छठे भाव का स्वामी सूर्य भी यहाँ पर आ रहा है तो रोग ऋण शत्रु का ध्यान रखिएगा, उनसे कुछ हानि हो सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अब रोग ऋण शत्रु का स्वामी जो है पंचम के स्वामी के साथ बैठा है तो बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना है, और अगर आप किसी कंपटीशन की किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये होता है कि भाई कौन पहला आएगा, कौन पास होगा, कौन नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, प्लान बनाएं, तब उसको फॉलो करें, तब आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब जब ये सब बता ही रहे हैं तो थोड़ा और ग्रह की भी बात कर ही लेते हैं कि मंगल अगर लग्न में हैं और वो सूर्य और चंद्र को देख रहे हैं, बुध को भी देख रहे हैं, तो वाणी में थोड़ी अधैर्यता रह सकती है, वाणी में थोड़ा सा बिना सोचे समझे कई बार व्यक्ति जल्दी में बोल देता है, वो समस्या आ सकती है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मन में तो अधैर्यता रहेगी ही, जब मंगल देख रहे हैं गुस्सा भी आ सकता है, तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, छोटी सी बात को एकदम से आंसर नहीं देंगे, उसके बारे में थोड़ा अगर सोचेंगे तो आपको बाद में फिर यही लगेगा कि ये वास्तव में आंसर करने वाली बात ही नहीं थी, अक्सर तो ऐसा ही होता है। इसके साथ साथ मंगल हैं लग्न में तो एनर्जी तो रहेगी, ऊर्जा रहेगी कार्य करने की, और आप में हिम्मत भी रहेगी काफ़ी, तो उसका आप सदुपयोग कीजिएगा। आपके जो जीवन साथी हैं उन पर डोमिनेंट नहीं होइएगा, उन पर ये मत कहिएगा कि बस ऐसे ही करना है, या फिर आपका जीवन साथी भी ऐसे कहता है तो उसे प्यार से समझाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा टकराव आपके आपकी पत्नी में, आपके और आपके पति में, या फिर आपके प्रेमी और प्रेमिका में, अगर आप लड़की हैं तो आपके प्रेमी के लिए, दोनों के लिए थोड़ा सा इस तरह की स्थिति बन सकती है। मैं कई बार सिर्फ इस तरह से ही बता देता हूँ कि लड़कों की तरह से, या फिर क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ, पर जो आशय होता है दोनों के लिए ही होता है। आप दोनों को बताएंगे तो उससे फिर एक ही बात को थोड़ा सा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप समझ जाया करें और गलती हो तो माफ़ कर दिया करें। अगर हम देखें मंगल की चौथी दृष्टि को देखा, सातवीं को देखा, आठवीं दृष्टि जो है अष्टम पर पड़ रही है, तो थोड़ा ड्राइविंग करते वक्त, बाहर जाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, सास ससुर से अगर आपके हैं तो उनसे थोड़ा रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है, थोड़ा सा होश के रखना है,
और पत्नी के साथ भी थोड़ा सा नम्रता के साथ, पति के साथ नम्रता के साथ पेश आना है, उसको बड़ा सम्मान करना है, अपने से भी ज़्यादा सम्मान देना है अपनी पत्नी को, अपने से भी ज़्यादा सम्मान देना है अपने पति को, दोनों के लिए ही मेरा हमेशा मतलब होता है। शुक्र की बात करें तो तृतीय भाव का स्वामी तृतीय में है तो बहुत अच्छा है, बहन का सहयोग मिलेगा, अपनी छोटी बहन का, स्त्रियों को सहयोग मिलेगा, दोस्तों को सहयोग मिलेगा। अगर आप मार्केटिंग में हैं, अगर आप आर्ट में हैं, अगर आप डांसर हैं, अगर आप रिपोर्टर हैं, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, अगर आप ड्राफ्टिंग में हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हैं, कुछ शुक्र से जुड़े हुए कामों में हैं, शादी विवाह के जो लोग कराते हैं वो, जो शो पीस वगैरह बेचते हैं वो, या फिर जिनका डायमंड्स का, ज्वेलरी का, ज्वेलरी का बिजनेस है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र यहाँ पर बैठकर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा गुरु और शनि जो हैं वो भी 11वें भाव में है, बहुत बढ़िया, पर वो थोड़े बकरी हैं, तो उसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। तो थोड़ा सा बकरी जब चीज़ें होती हैं तो वो सीधी नहीं होती, वो वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान से आराम से काम करना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ समय लेकर, देख कर, कहीं कोई पहले से सीख कर कोई गलती ना हो, पूरा प्लान बना के धीरे धीरे पहले ही काम को सुधारना चाहिए, नया काम एकदम से नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो समय अगर ग्रह बकरी हैं तो एक तरह का निर्देश है कि भाई देखो क्या गलती हुई है, क्या गलती हो सकती है, प्लान बनाओ, पहला सुधारो, पुरानी चीज़ों को ही एक तरह से सुधारो, उन्हीं में थोड़ी सी रौनक लाओ, जो आपको आता है उससे जुड़ा हुई कुछ काम करने की कोशिश करो, तो इस तरह के समय में ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए, जो ग्रहण का जो क्या असर हो सकता है। अब थोड़ी रेमेडी हो जाए तो रेमेडी के लिए ईश्वर की प्रार्थना, मंत्र सिद्धि, मंत्र का जाप, अच्छी किताब पढ़ना, अच्छा मूड बनाए रखने के लिए कोई कॉमेडी देख सकते हैं आप, कोई अच्छी हेल्थी कॉमेडी पढ़ सकते हैं, कुछ भी इस तरह का करें ताकि आपका मन शांत रहे उस दिन सूर्य ग्रहण वाले दिन। बाहर ना निकलें, सूर्य को सीधा ना देखें, आँखों के लिए अच्छा नहीं है साइंटिफिक तरीके से भी, और हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत हजारों हजारों साल पहले इसको बता दिया था। इसके साथ साथ खाने में जो स्त्रियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनका तो जिस तरह से डॉक्टर ने बताया हुआ है वही तरह, उसी तरह का जो डाइट है उसको रखें, पानी पीते रहें। बाकी जो लोग स्वस्थ हैं वो अगर दूध ना लें तो अच्छा है, और भारी भोजन ना लें तो अच्छा है, वृद्ध हुए, बच्चे हुए, उनको उनकी स्वास्थ्य के अनुसार जो उन्हें चाहिए वो लेना चाहिए। पर बच्चों का ये ध्यान रखें कि वो बाहर ना जाएं, ये ज़रूरी है, वो तो खेलते हैं कूदते हैं, उन्हें पता नहीं है, तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ आपके जो भी इष्ट हैं, पंचदेव जैसे कि शिव, भगवान शिव या उनके कोई अवतार जैसे हनुमान जी हो गए, भगवान विष्णु, उनके अवतार राम कृष्ण जो भी हैं, माता के जितने भी रूप हैं, इसके अलावा गणेश जी और भगवान सूर्य में सभी ईश्वरों का वास माना जाता है, उनकी आप पूजा कर सकते हैं, जिसमें भी आपका मन रमता हो उसकी पूजा कर सकते हैं। बाकी पांचों में कौन श्रेष्ठ है ऐसा कुछ है नहीं, जो आपके मन को भाए वही श्रेष्ठ है। हथेली में पांच उंगलियां हैं, सब हथेली से ही निकली हैं और हथेली की ही एक तरह का रूप है, इसी तरह ईश्वर सब एक दूसरे के, उनमें कोई बैर भाव नहीं है, वो सब एक दूसरे के दोस्त हैं, एक ही हैं, एक ही एनर्जी के कई रूप हैं। जब वो पालन करते हैं तो विष्णु हो जाते हैं, जब वो शुभता लाते हैं और अशुभ चीज़ों का संहार करते हैं तो शिव हो जाते हैं, जब वो शक्ति रूप में उनका पूजन होते हैं तो वो माता हो जाती हैं, जब वो विद्या रूप में तो सरस्वती हो जाती हैं, और जब ऑस्पिशियस विघ्नों को हर्ता के रूप में उनकी पूजा होती है तो वो गणेश हो जाते हैं। तो यही बात है, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको अगर लगता है कि दूसरे भी देख पाएंगे, ये भी एक अच्छा कर्म है। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, फेसबुक, अगर आप चाहें, आपको पसंद हो तो आप लाइक कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, और इसी मंगल कामना के साथ कि आपका ये जो महीना है अच्छा जाए, शुभ जाए, मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।